तो आज हमारे पास है यहाँ पर प्रोजेक्टर में यूज होने वाले मेन लेंस जो इमेज को हमें स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो उसकी इमेज क्वालिटी इतनी शानदार क्यों है आज हम देखने वाले हैं। अक्सर मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल सिंगल लेयर के जो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं उसकी इमेज क्वालिटी इतनी शानदार नहीं होती है। तो आज हम इस लेंस को टियर डाउन करने वाले हैं। तो इस लेंस के अंदर क्या होता है वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो अब देखते हैं इस लेंस के अंदर वाकई में होता क्या है। तो यहाँ पर हम लेंस को टियर डाउन करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम धीरे धीरे इसे खोल लेंगे इस तरह से घुमा के। तो देखते हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है। यहाँ हमने इसको खोल लिया है तो उसको साइड में रख देते हैं। तो निकालते हैं लेंस बाहर की ओर। तो यहाँ पर हमारा पहला लेंस बाहर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर जो हमारा लेंस लगा था यहाँ पर वो कुछ इस टाइप का लेंस यहाँ पर लगा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं पहले नंबर पर जो लेंस लगा था कुछ इस तरह का होता है। तो उसको भी हम साइड में रख देते हैं। देखते हैं अंदर हमें दूसरा क्या मिलता है। तो यहाँ पर मिलता है हमें ये कवर रिंग जैसा कुछ। तो उसको हम साइड में रख देते हैं। वो लगा हुआ होता है दो लेंस के बीच में डिस्टेंस रखने के लिए। तो देखते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है। यहाँ पर हमें मिलता है रिंग के अंदर दूसरा एक लेंस। तो यहाँ उसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह का लेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर कुछ इस तरह का लेंस हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप उसकी थिकनेस वगैरह कुछ देख सकते हो। तो हमने जो पहले नंबर पर लेंस निकाला था उसके बाद हमें यह दूसरे नंबर पर यह लेंस मिलता है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कुछ अलग तरह का यह लेंस है। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा वाइड एंगल यहाँ पर कवर कर रहा है। तो कुछ इस तरह का काम करता है ये लेंस यहाँ पर। तो चलो उसे भी हम साइड में रख देते हैं। देखते हैं हमें दूसरा क्या मिलता है अंदर। तो यहाँ पर आखिरी में यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा लेंस लगा हुआ था। तो ये है हमारा आखिरी लेंस। कुछ इस तरह का लेंस वहाँ पर लगा हुआ था आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के तीन अलग अलग टाइप के लेंस मिलकर यहाँ पर एक लेंस बनाया जाता है ताकि हमें जो प्रोजेक्टर का जो वीडियो होता है वो हमें स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिख सके, अच्छी तरह से वो वीडियो को फोकस कर सके ताकि हमें बेटर क्वालिटी मिल सके।